गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डीपीपी फोर कर लिया बच्चों, कर लिया डीपीपी फोर, कंप्लीट किया सभी ने? बोलिए बाकी लोग, हुआ? स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 मिनट में। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले 5 क्वेश्चन में कोई डाउट? फर्स्ट 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2 5, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 2 5, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डाउट है? 5 डाउट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डाउट है पहले मेरे को आप ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डाउट है पहले आप ये बताइए। फिफ्थ तो समझ में आता है, 1 में क्या डाउट है? पीयूष डाउट बताओ पहले, 1 में क्या डाउट है? सिया को थर्ड है सर, साइन ये माइनस है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई। पहले मैंने क्या बोला था कि सर यहाँ पे हमेशा आपको प्लस बनाना है। 1 2 5 डिस्कस करते हैं पहले, फिर बाद में आगे आएंगे। माइनस से पहले मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक्स के साथ यहाँ पे क्या है आपका, निगेटिव है। एक्स के साथ क्या देके रखा है आपका, निगेटिव। निगेटिव देके रखा है तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगी, ये एक्स माइनस वन हो जाएगा, ये एक्स प्लस टू हो जाएगा, और ये क्या बचेगा आपका, एक्स प्लस वन, और ये जो लेस देन है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके आप सॉल्व करो, नंबर लाइन पे ड्रॉ करके क्या करोगे आप, सॉल्व करोगे। कितने बार बताया कि एक्स जो यहाँ पे होता है वो प्लस में आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए, वही गलती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या लिख के रखा हुआ है आपका, समझा? समझ गया? थर्ड एक्स की पावर 4, क्लियर? थर्ड एक्स की पावर 4 माइनस 2x² माइनस का 63, लेस देन है या ग्रेटर देन है? लेस देन है या ग्रेटर देन है, एक बार ये बता दो, लेस देन है या ग्रेटर देन है? अरे बोल लिया करो रे, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल। मेरे को यह बताओ, एक समय के लिए अगर मैं x² को t बोल दूं तो हमारे पास क्या होगा, t² माइनस 2t माइनस 63 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर देखिए दिख रहा है, फैक्टर दिख रहा है, t माइनस 9 t प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। अब t की वैल्यू दोबारा रख दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका, x² माइनस 9, और ये क्या आ जाएगा, x² प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। मेरे को ये बताओ, इसमें एक क्वाड्रेटिक, जैसे ये वाला तो फैक्टर हो रहा है, ये हो गया x माइनस 3 और ये हो गया x प्लस 3। दूसरा वाला देखो, ये वाला जो क्वाड्रेटिक है इसका डी चेक करो, या आप ऐसे ही रख के देखो ना,
अब एक्स की कोई भी वैल्यू रख के देखो, ये हमेशा नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो जीरो डिवाइड बाय दिस नंबर इज जीरो, लेस देन जीरो आ गया। लो भाई नंबर लाइन, दो नंबर है लेस देन जीरो है तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बिटवीन द रूट, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री से लेके प्लस का थ्री। समझ गए, क्लियर? अरे तो बड़ा सिंपल था यार, क्लियर ना? अरे फाइनल स्टेप तो क्लास में किया है ना, नोट्स ओपन कर यार, ऐसे में थोड़ी एक एक स्टेप बताता रहूंगा पीयूष, फाइनल स्टेप में ऐसे थोड़ी नंबर लाइन पे ड्रॉ करके करना इस चीज को, अब ये सारी चीजें मैं थोड़ी बताता रहूंगा बार बार यार, ये गलत है बात है, तुमने नोट्स पढ़ा नहीं है, बिल्कुल नोट्स नहीं पढ़ा है। प्लस माइनस प्लस लेस देन लेना है, क्या लेना है, लेस देन इक्वल टू लेना है, तो कौन सा लोगे, निगेटिव वाला लोगे, निगेटिव वाला ले लो, निगेटिव वाला आपका आंसर है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है आपने नोट्स, मुझे देख के समझ में आ रहा है, अगर नोट्स पढ़ते तो बार बार ये चीजें नहीं पूछते, क्लियर? क्लियर हो गया, चलो जल्दी से लिखो एक बार, जल्दी से एक बार लिख डालिए। डन, क्वेश्चन हो गया क्या? इसलिए आप जल्दी लिखिए, ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा, तो मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ज्यादा अच्छा है तो आप बोल दो ऐसे, सर मैंने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, कहां कहां पे, इधर भी और इधर भी, जैसे डिवाइड करोगे यहां पे कट जाएगा और यहां जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन बचेगा, ये सर आपका जीरो हो गया, समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपका क्वेश्चन था ये वाला, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन लेस देन टू, ये आई थिंक क्वेश्चन है, हाँ लेस देन इक्वल टू टू, ये आपका क्वेश्चन है। लो बच्चे, ये वाले क्वाड्रेटिक के बारे में कोई बताएगा मुझे, इस वाले क्वाड्रेटिक के बारे में कोई बताएगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव, मत बताओ, चलो ये भी मत बताओ, टू को इधर ले आओ, टू को इधर लाए तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। एलसीएम लीजिए, जैसे एलसीएम लोगे यहां माइनस का टू एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस का टू एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस का सिक्स एक्स हो जाएगा, और सर ये माइनस का टू और माइनस का सेवन, माइनस का नाइन बचेगा, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखना, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस से, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, मैंने पहले बोला है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो देखो ये क्या लिखा है, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, और ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये लिखा है। मुझे बच्चे ये बताओ, क्या नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, नीचे वाली क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई को हटा दिया तो ये आपके पास बचा एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दीजिए, दैट इज माइनस थ्री, प्लस यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, प्लस हमको क्या लेना है, केवल ग्रेटर देन, तो आंसर क्या आ गया, एक्स बिलोंगिंग टू आर, दैट इज एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, मतलब आप एक्स की कोई भी वैल्यू डालो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ गया, जिसका भी डाउट है क्लियर? क्लियर बच्चे?
ईशा क्लास पे टाइम पे आया करो, आप रोज लेट होते हो बच्चे। ईशा नेक्स्ट लेक्चर से टाइम से आया करो, 8 का टाइमिंग है, 8 बजे सभी लोग प्रेजेंट रहा करो, लेट मत हुआ करो, आपका ही मिस होगा डिस्कशन वगैरह। नोट डाउन कर डालिए, ये क्वेश्चन नंबर 5th है, ठीक है। अब टू क्वेश्चन नंबर 10th तक, और कोई डाउट 10th तक कोई डाउट है बताओ? क्वेश्चन नंबर 10th तक कोई डाउट? 7th और 8th, 10th तक में डाउट है, 7th और 8th, ठीक है, 7th और 8th। अरे फिर वही आ गया 8th क्वेश्चन, 7th देखो, 7th क्या लिखा हुआ है आपका? वेट, ठीक है सिया, जल्दी लिखो, जल्दी से लिख डालो, जल्दी से जल्दी लिखो। आ जाओ 7th देखते हैं बच्चे, 7th क्या लिखा है आपका? क्वेश्चन नंबर 7th, 7th अगर आप ध्यान से देखोगे तो है आपके पास ऊपर 2x स्क्वायर, अरे तो बड़ा सिंपल है यार, माइनस का 3x माइनस का 459 डिवाइडेड बाय x² + 1। अरे बड़ा सिंपल है, अगेन वही करोगे, राइट साइड क्या दिख रहा है आप लोगों को? राइट साइड ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1, तो 1 को लेफ्ट साइड लाओ तो -1, ग्रेटर देन 0। बार बार मैं वही चीज बोल रहा हूं कि अगर आपका राइट साइड 0 नहीं बना है उसको इधर लेके आइए। अब चलो एलसीएम लो, तो ये यहां जाएगा तो 2x² और ये माइनस है तो -x² x² बचेगा, माइनस का 3x रहेगा, 459 माइनस का 1 460 हो जाएगा और डिवाइड में x² + 1। सही, आप ये बताइए नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है हमेशा या नहीं? नीचे वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है या नहीं है, आप ये बताओ? x² है और उसमें +1 किया है, यस, तो क्या इसको हटा दूं? लो भाई इसको हटा दिया, जैसे ही हटाया तो आपके पास बचा x² -3x -460 ग्रेटर देन 0। लो भाई इसको आप सॉल्व कर सकते हो, फैक्टर x - 23 और दूसरा फैक्टर x + 20 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे, -20 प्लस का 23 प्लस माइनस प्लस, कौन सा लेते हैं? ग्रेटर देन वाला, माइनस इनफिनिटी से -20 यूनियन 23 से इनफिनिटी होना चाहिए था भाई ये क्वेश्चन, इजी था यार, होना चाहिए था यार। क्वेश्चन नंबर 8, 8 भी सेम है बच्चे, 8 में भी मैं क्या बताऊं आपको, ये बताओ क्या करोगे 8 में? आप बताओ बच्चे 8 में आप क्या करोगे? 7th बता दिया, 8 में आप क्या करोगे? पहला स्टेप क्या होगा 8 क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 8 का पहला स्टेप क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 8 जिसका भी डाउट है, पहला स्टेप क्या होगा साहिल? क्वेश्चन 8 का पहला स्टेप क्या होगा बोलो? अरे बोलोगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन 8 का पहला स्टेप क्या होगा जल्दी से बताइए, पहला स्टेप बता दो बस। 1 को लेफ्ट साइड लाओगे, सिंपल सा 15 to 1 to left, अब हो जाएगा, और नीचे वाले का डी चेक किया वो 0 से छोटा आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटा दोगे बाद में या डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तभी भी चलेगा, x² - 1 ग्रेटर देन x² + x + 1, ये और ये क्या हो गया? कट गया, ये इधर चला जाएगा, तो यहां से x ग्रेटर देन क्या आ गया? -2, यही इसका आंसर है। अरे ये तो एक स्टेप का क्वेश्चन था, मतलब आंसर हो गया -2 से इंफिनिटी, समझ गए? जिसका भी डाउट था, सिंपल था क्वेश्चन था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? क्योंकि सर नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक है हमेशा आपका पॉजिटिव है, और कैसे पता चला हमेशा पॉजिटिव है? सर उसका डी निकाला, डी निकालते ही मुझे ये पता चला कि सर उसका डी आ रहा है -0, -0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि सर वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा, आप चाहे एक्स की कोई भी वैल्यू डालो। क्लियर, समझ गए?
चलो इसके बाद अप टू क्वेश्चन नंबर 16, कोई डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 16? एनी डाउट 16 तक? कोई भी डाउट है तो पूछिए। अप टू 16 तक कोई डाउट? 11 से 16 एनी डाउट? 11 से 16 किसी क्वेश्चन में डाउट है? 13, अरे 13 बड़ा इजी है, 13 और 15, ओके। और कोई डाउट 13 और 15 के अलावा? 13 और 15 के अलावा और कोई डाउट? 13 और 11, 11 में क्या करेगी सिया? आप बता, सिया 11 में क्या करेगी? अब एक बार बता, दोबारा बता, क्या करेगी 11th में? पहला स्टेप तेरा क्या होगा 11th में, मेरे को ये बता, जल्दी से बता, पहला स्टेप क्या करेगी सिया 11th में? फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका बच्चे 11th क्वेश्चन के लिए? -2 को शिफ्ट करेगी, फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकती है, ट्राई करेगी। अब ट्राई करेगी, किया था ऐसे कि नहीं किया था 11th में? ऐसे किया था क्या कि नहीं किया था? शिफ्ट करके, मैंने पहली बोला है राइट साइड जीरो बनाना है, राइट साइड जीरो बनाना है, तो राइट साइड जीरो नहीं दिख रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, उसको शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, समझ गए, हो जाएगा ना? चलो हो जाएगा। अब आ जाओ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। अरे ऊपर वाले का फैक्टर दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। देख के समझ में आ रहा है कि सर ऊपर वाला जो टर्म लिखा है वो रूट एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई रूट एक्स माइनस का टू लिखा है, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा रूट एक्स प्लस टू, बराबर में क्या आ गया एक्स माइनस एट। देखो ये और ये क्या हुआ, कट गया, तो सर यहाँ रूट एक्स माइनस का टू लिखा है और सर यहाँ x माइनस एट लिखा है, टू को राइट साइड ले जाओ तो रूट एक्स बराबर में टू को अगर आप इधर ले गए तो x माइनस सिक्स आएगा। अब इसको स्क्वायर कर दो, एक बार स्क्वायर करोगे तो ये x आ गया, ये x स्क्वायर आ गया, ये 36 आ गया और यहाँ पे आपका आ जाएगा, देख के सर, और ये पता है देख के समझ में आ रहा है कि सर x बराबर 9 होगा, 9 के अलावा कुछ आएगा ही नहीं आंसर, आगे सॉल्व नहीं भी करोगे ना तो ऑब्जर्वेशन से वैसे आंसर कैसे आएगा, स्क्वायर करके आएगा, स्क्वायर करके दो आंसर आएंगे, एक निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा दो आंसर, तो देख के भी समझ में आ रहा है कि सर 9 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि 9 का रूट 3 होता है, 9 माइनस 6 कितना होता है आपका 3 होता है, तो 3 बराबर 3, क्लियर। चलिए इसके बाद और कौन सा, 15 में बच्चे पहला स्टेप माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो 0.5 डिवाइड बाय माइनस से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, मेरे को ये बताओ ये जो क्वाड्रेटिक दे रखा है नीचे वाले का डी क्या होगा, जिसका भी डाउट है रोहन नीचे वाले क्वाड्रेटिक का डी क्या होगा, नीचे वाले क्वाड्रेटिक का डी क्या होगा मुझे पहले ये बताओ, नीचे वाले क्वाड्रेटिक का डी क्या होगा, नीचे वाले क्वाड्रेटिक का डी डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहा हूं, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव या निगेटिव? अरे यार जीरो कैसे हो जाएगा यार, कॉमन सेंस लगाते नहीं बनता क्या आपको, निगेटिव है, कॉमन सेंस निकालोगे, तुक्का थोड़ी मारना है यहाँ पे कि आप तुक्का मारने बैठ गए, निगेटिव आएगा, जीरो कहाँ से आ रहा है यार, कुछ भी मत पका करो आप लोग, ऐसे नीचे रहेगा समझा, ये क्या आएगा आपका निगेटिव आएगा, इसका डी निगेटिव है तो डी निगेटिव इसका मतलब क्या, क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मेरे को ये बताओ, अगर इसका डी निगेटिव है तो क्या ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वैलिड है, यस या नो? यस, बस मल्टीप्लाई हो गया। अब ये बताओ ये स्टेटमेंट बना 0.5 क्या जीरो से बड़ा होता है, हाँ या ना, 0.5 जीरो से बड़ा होता है या नहीं होता है, होता है, तो आंसर क्या आ गया आपका एक्स बिलोंगिंग टू आर, कुछ सॉल्व करने के लिए बचा ही नहीं ना, तो सॉल्व करने के लिए नहीं बचा तो 0.5 ग्रेटर देन जीरो खत्म, अगर यही चीज आया था कि 0.5 लेस देन जीरो आता तो मैं आंसर एक्स बिलोंगिंग टू 5 लिख देता, समझ गए, क्लियर क्लियर, और कोई डाउट इसके अलावा, कोई और क्वेश्चन में डाउट है इसके अलावा, किसी और क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी डाउट नहीं, पक्का
ट्वेल्थ साइंस ट्वेल्थ में क्या करेगा, तेरा पहला स्टेप ट्वेल्थ में क्या होगा? अरे लेस देन पर माइनस से मल्टीप्लाई किया ना बच्चे। यहां यहां देखो एक्स स्क्वायर के पास क्या है आपका, निगेटिव है। और मैंने क्या बोला था कि एक्स स्क्वायर के पास हमेशा प्लस होना चाहिए, तो एक माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, एक माइनस से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बनेगा। ये निगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स हो गया, और ये माइनस का वन प्लस का वन हो गया। समझा? ट्वेल्थ में क्या करेगा साहिल, पहला स्टेप क्या होगा ट्वेल्थ में तेरा करने का, मेरे को ये बता। साहिल के अलावा और किसी का जवाब नहीं आना चाहिए। साहिल पहला स्टेप क्या होगा ट्वेल्थ में तेरा करने का? पहला स्टेप ऐड एलएचएल। एलएचएल को कैसे ऐड करेगा, एलएचएल कैसे ऐड होगा मेरे को ये बता। एलएचएल ऐड कैसे होगा, एलएचएल ऐड कैसे होगा, एलएचएल ऐड कैसे होगा? ऐड एलएचएल तो बोल तो दिया, ऐड एलएचएस। और उसके बाद चलो एलएचएस को ऐड कर दिया, एलसीएम लेके ऐड कर दोगे, एलसीएम लेके। उसके बाद क्या होगा अगला स्टेप, एलसीएम लेके अगर ऐड किया इसके बाद क्या करोगे, अगला स्टेप क्या होगा बताओ, अगला स्टेप क्या होगा उसके बाद, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा एलएचएस को ऐड करने के बाद? बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा। शिफ्टिंग वन टू एल, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया बस। कर लेगा अब, कर लेगा अब, खुद ही बता रहा है, खुद ही सॉल्व कर रहा है, तो मुझसे डाउट पूछ रहा है। बताओ कैसे चलेगा इस तरीके से, कैसे चलेगा? ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, कर लोगे आप? चलो आगे बढ़े, अब थोड़ा ज्यादा क्लियर हुआ क्वेश्चंस कल सॉल्व किया तो, क्लियर हुआ ना? हाँ या ना, चीजें क्लियर हुई बेटर? बोलिए हुई क्लियर बाकी लोग? चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा मॉडुलस इनइक्वालिटी, मॉड इनइक्वालिटी नेक्स्ट हेडिंग है बच्चे आपका। नेक्स्ट हेडिंग है, एक डीपीपी आज दूंगा, ठीक है? तो डीपीपी आप लोग आज सॉल्व करिएगा, एक डीपीपी आएगा, ठीक है? ग्रुप पे आ जाएगा, व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा, उसको सॉल्व करिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट हेडिंग है मॉड इनइक्वालिटी, मॉड या बोल दो या मॉडुलस बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, मॉड इनइक्वालिटी। लिख डालिए एक बार, हेडिंग लिखिए जल्दी से, एक बार हेडिंग लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे, मॉड इनइक्वालिटी। लिख लिया मॉड इनइक्वालिटी, लिख लिया बच्चे? ठीक, आ जाओ डिस्कशन करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आ जाओ, याद है मैंने आप लोगों को मॉड इनइक्वालिटी में कुछ बताया था कि सर फंक्शन को डिफाइंड कैसे करते हैं, फंक्शन को डिफाइंड करना हम लोगों ने सीखा था। तो अगर बच्चे मैं पहले पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा, तो सर हमारा पहला जो पॉइंट होगा कि सर अगर मेरे पास y बराबर मॉड x दे दे, क्या दे दे, y बराबर मॉड x दे दे। चलो मॉड x की जगह पे मॉड x माइनस a लिख देता हूं मैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्या रहेगा, मॉड x माइनस a लिख देते हैं। क्या आ गया, मॉड x माइनस a हो गया। तो बच्चे मैंने आपको बताया था, क्या बोला था बच्चे, कि अगर यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी अगर x a से बड़ी होगी या बराबर कर दो, एक ही बात है, और x a से छोटी होगी, तो कोई मुझे बताएगा पहला वाला मॉड किसके साथ ओपन होगा? अगर मॉड
एफ मॉड, ये जो अंदर वाली क्वांटिटी, क्योंकि अंदर वाले को हम क्या करते हैं हमेशा मॉड में जीरो करते थे, तो अगर मॉड में अगर आप अंदर वाली क्वांटिटी को जीरो करो तो सर ये ए आया। तो एक बार ए के राइट में और एक बार ए के लेफ्ट में, ये क्या आ गया आपका बच्चे, राइट आ गया। राइट क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और सर आपका लेफ्ट क्या है सर, एक्स लेस देन इक्वल टू ए। एक्स लेस देन बोल दो, इक्वालिटी का साइन एक ही जगह लगाते हैं। अब बताओ पहला वाला मॉड, ये ऊपर लिखा स्टेटमेंट, प्लस के साथ ओपन करूं या माइनस के साथ? पहला जो ऊपर वाला किसके साथ ओपन करेंगे, तन्वी ने बोला प्लस के साथ, बाकी लोग प्लस के साथ, यस करेक्ट जवाब। ये आ गया एक्स माइनस ए आ जाएगा, और नीचे वाले मॉड को किसके साथ ओपन किया जाए, माइनस के साथ, नीचे वाले को किसके साथ, माइनस, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस ए आ जाएगा, आ जाएगा। इसी चीज को मैं अगर ए के जगह पे जीरो ले लूं तो आप अच्छे से बता सकते हो कि सर अगर ये वाई बराबर, अगर आपका सर मॉड एक्स है तो y बराबर, अगर सर अगर आप मॉड एक्स देके रखा है तो आप अच्छे से इस चीज को बोल सकते हो कि सर अगर मॉड एक्स देके रखा है इसका जो क्वांटिटी है जहां पे मुझे ब्रेक करना है वो क्या आ जाएगा सर, आपका जीरो आ जाएगा। सर अगर x की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी, या x की वैल्यू जीरो से छोटी, तो सर अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो क्या लिखूंगा इसको मैं बच्चे, आपका वाई बराबर एक्स लिखूंगा, और ये वाले को क्या लिखेंगे बच्चे, आपका वाई बराबर माइनस एक्स लिखा जाएगा। समझ में आया, क्लियर है? क्लियर। मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि सर मॉड एक ऐसी क्वांटिटी होती है कि जिसके अंदर आप कुछ भी डालो हमेशा वो क्वांटिटी क्या करता है, प्लस निकालता है हमेशा। जैसे इसके अंदर मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी डालू वो क्वांटिटी हमेशा क्या सेंड करेगी मुझे, प्लस की वैल्यू ही सेंड करेगी। समझा, क्या ये पॉइंट समझ में आया, बोलो क्लियर है? अब चलो अगर ये क्लियर है तो मैं एक बार ना तीसरा पॉइंट आपको समझाता हूँ। जैसे तीसरा पॉइंट देखिएगा, मान लो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे बच्चे मैंने मान लो यहाँ पे जीरो लिया, वन लिया, ये वन है, इसके बाद बच्चे मैंने आपका टू लिया, थ्री लिया, फोर है, फाइव है, ऐसे करके सर ये आपका इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, इन्फिनिटी तक। सर ऐसे इधर भी आपका सर माइनस वन है, माइनस टू है, माइनस थ्री है, माइनस फोर है, और ये भी सर आपका इन्फिनिटी तक जा रहा होगा माइनस का, निगेटिव साइड। एक आ गया पॉजिटिव साइड, एक आ गया निगेटिव साइड। सर अगर मान लीजिए ये एक्स है, अगर मैं सर इनका केवल मॉड लूं, मैं केवल सर क्या लूं इनका, सर आपका मॉड लूं, ठीक है, तो सर जीरो का अगर आप मॉड लोगे तो क्या आएगा सर, आपका जीरो आएगा। सर अगर आप वन का मॉड लोगे तो क्या आएगा, वन आएगा। टू का मॉड लोगे तो क्या आएगा सर, आपका टू आएगा। थ्री का मॉड लिया तो सर क्या आएगा, थ्री आएगा। फोर का मॉड लिया तो क्या आया, फोर आया। फाइव का मॉड लिया तो सर क्या आया, फाइव आया। सर अब आ जाओ माइनस वन का मॉड लो, तो माइनस वन का मॉड कितना आएगा सर, आपका वन आएगा। माइनस टू का मॉड लोगे कितना आएगा, टू आएगा। माइनस थ्री का मॉड लिया कितना आया, थ्री आएगा, और ये कितना आया सर आपका, फोर आया। तो बताओ बच्चे ये जो वैल्यू है ये किस, ये कौन सी वैल्यू है सर, ये मॉड वैल्यू है। कौन सी वैल्यू सर आपकी, ये मॉड की वैल्यू है, ये भी आपकी क्या है सर, आपकी मॉड वैल्यू। मेरे को ये बताओ क्या आपको ये समझ में आ रहा है, चाहे आप लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, चाहे आप लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, मतलब ऑरिजिन से आप दूर जा रहे हो, जीरो से दूर जा रहे हो, तो वैल्यू आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वैल्यू क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज। किसका, मैग्नीट्यूड। याद रखिएगा इस मॉड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है बच्चे, आपका मैग्नीट्यूड की बात, क्योंकि ये है, ऐसे भी देखा जाए सर ये निगेटिव नंबर है, तो सर लेफ्ट में जाओगे तो आपका इधर, राइट में जाओगे तो नंबर इंक्रीज करता है, लेफ्ट में जाओगे तो सर नंबर क्या करता है, डिक्रीज, इधर गए तो इंक्रीज करता है, ठीक है, नॉर्मल। और अगर आप इधर जाओगे तो वैल्यू क्या करता है सर, आपका डिक्रीज करता है। बट मॉड लेते ही क्या होता है बच्चे, आपका लेफ्ट में भी इंक्रीज करेगा, राइट में भी इंक्रीज करेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया, क्या ये चीज क्लियर हुई जो मैंने अभी बोला, बोलो क्लियर है? तो अगर मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूं तो क्या लिखूंगा, इफ वी आर मूविंग अवे फ्रॉम जीरो, if we are moving away from zero, then value of magnitude, याद रखिएगा मैंने क्या बोला, magnitude, इसको magnitude को absolute भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे आपका, absolute। absolute का मतलब क्या, positive value देना। magnitude बोलो या absolute बोलो, एक ही बात है, ये चीज याद रखिएगा। बहुत जगह आपका एब्सोल्यूट वर्ड भी लिखा होगा, तो एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है बच्चे आपका, मॉड, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। विल इंक्रीज इन आइदर डायरेक्शन, इन
आइदर डायरेक्शन। समझा? किसी को इस चीज पे डाउट है? क्लियर है? बोलो थर्ड पॉइंट क्लियर? क्लियर थर्ड पॉइंट क्लियर। चलो फोर्थ पॉइंट की बात, बच्चे अगर मैं बात करूं तो फोर्थ पॉइंट में बच्चे सभी को याद होगा मैंने बोला था कि कभी भी सर अगर आपका मॉड एक्स ऐसे लिख के आए रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, क्या बच्चे आपके रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, इसको मैं हमेशा क्या लिखूंगा बच्चे आपका मॉड एक्स लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बच्चे आपका हमेशा? मॉड एक्स लिखा जाएगा। क्या ये याद है बच्चे आप लोगों सभी को? क्या ये चीज याद है सभी को? हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं हमेशा रूट एक्स, ये क्वांटिटी हमेशा आपकी पॉजिटिव होती है। और पांचवा अगर बच्चे आपका ऐसे लिखा है मॉड के अंदर, मान लो बच्चे ए लिखा है, ए मतलब क्या? एनीथिंग, कुछ भी। ए का मतलब क्या बच्चे यहाँ पे? कुछ भी लिखा हुआ है, एनीथिंग, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी होगी या तो पॉजिटिव होगी या तो हमेशा क्या होगी? जीरो। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर ये जो क्वांटिटी है आपकी क्या होगी? नॉन निगेटिव होगी। क्या होगी बच्चे आपका? नॉन निगेटिव, या तो जीरो होगा या तो हमेशा क्या होगा बच्चे आपका? जीरो से बड़ा होगा। इसी चीज को हमने यहाँ पे देखो समझा भी है कि सर अगर एक्स की वैल्यू आप कुछ भी डालो हमेशा ये क्वांटिटी या तो आपकी जीरो दे रही है या तो हमेशा आपकी क्या दे रही है सर? आपकी पॉजिटिव दे रही है। समझा? क्या इस पॉइंट को समझ में आया यहां तक? बोलो क्या फिफ्थ पॉइंट तक सभी को क्लियर है? यस या नो? समझा? अच्छे से समझ में आया सभी को? क्लियर है? आप यहां पे लिखना भी चाहो तो एक्स स्क्वायर लिख दो या ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। हमेशा अगर रूट के अंदर ऐसी किसी क्वांटिटी का स्क्वायर बन रहा है उसको आप हमेशा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूं रूट के अंदर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बना, तो आप इसको एक्स माइनस टू नहीं लिखोगे, इसको आप क्या लिखोगे? मॉड एक्स माइनस टू लिखोगे। और याद रखना ये चीज हमेशा इवन रूट्स के लिए वैलिड है। अगर आपका क्यूब रूट हो, अगर ऐसे मान लो अगर आपका ये क्यूब रूट लिख के रखा है तो इसको आप एक्स माइनस टू लिखना वैलिड है। केवल ये आपका इवन रूट के लिए ही ये केवल होता है आपका, कि अगर सर आपका ऐसे लिखा है तो मुझे उसको मॉड लिखना पड़ेगा। समझा? क्लियर? बार बार मैं इस चीज को गौर कर बोल रहा हूं क्योंकि आप बार बार इस चीज को भूलोगे, दैट्स व्हाई इस चीज की बार बार की जाएगी। चलो जल्दी से इस चीज को लिखो, अब आ जाइए मॉड इनइक्वालिटीज लिखिए, लिखिए जल्दी से एक बार। बच्चे पहले दूसरे रूल में मैंने क्या बोला कि अगर मेरे को मॉड को डिफाइन करना है तो मैं मॉड को कैसे डिफाइन करूंगा? बच्चे सिंपल सा है, बच्चे मॉड को अगर मुझे डिफाइन करना है तो क्या किया जाएगा? वाई बराबर मॉड एक्स माइनस ए दे रखा है तो मैं क्या करूंगा? एक्स में वैल्यू देखूंगा। क्या देखूंगा बच्चे? मैं एक्स में वैल्यू देखूंगा। वैल्यू कौन सा देखूंगा कि सर नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखा, नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखा। जैसे ही नंबर लाइन पे ड्रॉ किया मुझे मिला सर पॉइंट ए, अंदर वाली क्वांटिटी को जीरो करके, तो ए के राइट में ए के लेफ्ट में। अगर ए के राइट में जाओगे तो सर एक्स माइनस ए है, तो सर जैसे ही आएगा तो आप ए से बड़ी वैल्यू डाल रहे हैं, तो ए से बड़ी वैल्यू डालते ही, ए से बड़ी वैल्यू मान लो मतलब चलो जैसे एग्जांपल देखो आपका ऐसे लिखा है, एग्जांपल में ऐसे लिखा है मान लो वाई बराबर मॉड एक्स माइनस टू ये लिखा है। सर आपने क्या किया यहाँ पे? अंदर वाली क्वांटिटी दो है, अंदर वाले को अगर आप जीरो करोगे तो सर नंबर लाइन पे दो आएगा। सर अब एक आएगा सर आपका दो से बड़ा और एक आएगा सर आपका दो से छोटा, मतलब जैसे जितने नंबर लाइन में नंबर लिखोगे ना उतने पोर्शन में डिवाइड करेगा। इसे एक बार किया तो ये दो पोर्शन में डिवाइड हो गया, तो आपको ऐसे दो अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे, केसेस अलग अलग। अब सर एक्स की वैल्यू दो से बड़ी लो, दो से कोई भी बड़ी वैल्यू लो, मान लो मैंने ले लिया तीन, तीन लिया, थ्री माइनस टू क्या होता है? पॉजिटिव। तो अंदर वाली क्वांटिटी अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आई तो उसको डायरेक्टली प्लस के साथ ओपन कर दो, तो वाई बराबर एक्स माइनस टू। और अगर बच्चे एक्स की वैल्यू दो से छोटी लो, जीरो, जीरो लिया सर, जीरो से जीरो माइनस टू निगेटिव आ गया अंदर वाली, तो अंदर वाली क्वांटिटी को माइनस के साथ ओपन कर दो। बस यही कॉन्सेप्ट है, ये आप मैंने पढ़ाया है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत सारे, एक बार जाके आप देखिए पिछला लेक्चर नोट्स रिवाइज करिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताए थे। और वही सेम चीज यहां पे है, ये जीरो के लिए हो गया। क्लियर?
डन एवरीवन। सभी का हो गया, सभी का हो गया बच्चे। चलिए अगला पेज लिख डालिए जल्दी से। अगला पेज हो गया डन ये वाला पेज, सभी ने लिख लिया। वेट, ठीक है चलिए सभी का हो गया लिख लिया। ये लीजिए अगला पेज लिख डालिए जल्दी से। डन, ठीक है चलो आ जाओ। सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, नोट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला नोट है बच्चे आप लोगों का, हाँ यहां पे थर्ड रूट है, थर्ड रूट क्यूब रूट, थर्ड क्यूब रूट, थर्ड क्यूब रूट है।
और यहां पे भी क्यूब कर दो अंदर, सॉरी मेरी गलती है, यहां पे अंदर क्यूब कर दो, x माइनस टू का क्यूब कर देना, x माइनस टू का क्यूब कर दो। हाँ x माइनस टू में क्यूब रहेगा, ठीक है, हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, आ जाइए बच्चों। मान लो आपको ऐसे दे दे, मॉड ए दे रखा है, ए मतलब एनीथिंग, अंदर कुछ भी आ सकता है। बराबर मान लो बच्चे आपके दे दे अल्फा दो, ठीक है, क्या दे दे बच्चे आपका अल्फा दे दे। अब यहां पे ना बच्चे आपका क्या होगा कि अगर मान लो बच्चे आपको ऐसे दे दिया मॉड ए बराबर मान लो बच्चे अल्फा दे दिया, तो इसका ना दो चांस है कि डिपेंड करेगा कि सर अल्फा आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है। मान लीजिए अल्फा की वैल्यू जीरो से बड़ी है और सर एक अल्फा की वैल्यू जीरो से छोटी है, इक्वालिटी का साइन कहीं भी लगा लीजिए। अगर बच्चे आपका अल्फा की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी ना, तो आप मॉड हटाओगे तो ए बराबर प्लस माइनस अल्फा आएगा, और अगर अल्फा की वैल्यू निगेटिव है तो इसका आंसर आ जाएगा नो सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा बच्चे आपका इसका आंसर? नो सॉल्यूशन आए। सर आया कैसे? बड़ा सिंपल एग्जाम्पल देखिए, मान लो बच्चे आपका ऐसे लिखा है मॉड एक्स बराबर टू लिखा है, क्या लिखा है बच्चे आपका? मॉड एक्स बराबर टू लिखा है, लिखा है। अब मुझे बताओ बच्चे, आपने अभी नंबर लाइन में देखा होगा एक्स की किस किस वैल्यू के लिए ये दो वैल्यू देगा, ये जो एक्स की, ये एक्चुअल में लिखा क्या है? मॉड एक्स बराबर दो का क्या मतलब है? सर एक्स की किस किस वैल्यू के लिए ये दो देगा, तो आपको ये समझ में आता होगा। सर यहाँ पे मैं टू डालूं और माइनस टू डालूं, तो अपने यहाँ पे जो क्वांटिटी है कितना आ जाएगा? आ जाएगा। तो एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस टू। जिसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एक बार मैं इसको बोल दूंगा कि सर ये x की वैल्यू दो हो जाएगा, और का मतलब क्या बच्चे? यूनियन। और एक बार x की वैल्यू क्या हो जाए सर आपका? माइनस टू हो जाए। समझा? क्या ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने बोला? बोलो समझा? और मतलब क्या? यूनियन। एक बार x या तो दो हो जाए या तो एक बार x क्या हो जाए आपका? माइनस टू हो जाए। अगर मान लो बच्चे ऐसा लिखा है मॉड एक्स बराबर माइनस थ्री, तो बच्चे मॉड एक्स बराबर माइनस थ्री का क्या मतलब लिखा है बच्चे? कोई मुझे ये बताएगा? सर ये वाली क्वांटिटी सर पॉजिटिव है, ये क्या है आपका? पॉजिटिव है। सर ये वाली क्वांटिटी क्या है सर आपकी? निगेटिव है। क्या कभी पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर के बराबर हो सकता है? क्या कभी पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर के बराबर हो सकता है क्या? नहीं। दैट्स वाई इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक्स बिलोंगिंग टू फाइव। वही चीज को मैंने ऊपर लैंग्वेज के फॉर्म में ये लिखा था, उसी को। जैसे मैं अगला आपसे पूछूं एक एग्जांपल, तो जैसी मुझे बताइएगा, मैंने लिखा सर मॉड एक्स माइनस का थ्री बराबर में क्या आ गया सर आपका? टू आ गया। क्या आ गया सर आपका? टू आ गया। अब बताओ बच्चे जल्दी से मुझे इसके बारे में बताओ, क्या क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए? सॉल्व करने के लिए क्या होगा? मॉड एक्स माइनस थ्री बराबर टू। तो अब क्या बोलोगे कि सर यहां पे x माइनस थ्री एक बार आपका 2 हो जाए और एक बार x माइनस थ्री आपके किसके बराबर हो जाए? माइनस टू के बराबर हो जाए। सर अगर x माइनस थ्री 2 के बराबर है तो x बराबर क्या आएगा सर आपका? 5 आएगा। और अगर माइनस टू के बराबर तो x बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। सर इसका आंसर क्या आ गया सर आपका? x बराबर 1 कॉमा 5। कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या? केवल 1 और 5 को इंक्लूड करेंगे। समझा? क्लियर है? हाँ या ना? स्टेप वही है कि सर ये वाली क्वांटिटी, ये जो अंदर लिख के रखी हुई है, एक बार दो के बराबर होगा और एक बार सर माइनस टू के बराबर होगा। अगर मैं बच्चे आपसे अगला पूछूं, अगला बताइएगा, मान लो बच्चे ऐसे लिखा है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बराबर लिख के रखा है टू लिखा हुआ है, केवल मैंने बराबर मान लो टू लिख दिया। अब जैसे बच्चे मैंने टू लिखा, मुझे कोई बताएगा कि मैं सर अगला स्टेप क्या लिखूंगा? मॉड एक्स स्क्वायर माइनस फाइव को सर अगर सर मैंने टू लिख दिया तो आगे क्या लिखे बच्चे? कोई मेरे को ये बताएगा? सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा है, क्या होगा बताओ? एक बार क्या करोगे, अंदर वाली क्वांटिटी को, जो ये मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी है, इसको किसके बराबर किया? दो के बराबर? नहीं नहीं, अरे माइनस थ्री और सेवन नहीं आएगा वैष्णवी, माइनस वो ऐसे मत जाया करो, आप स्टेप जाओ, स्टेप से सॉल्व करो। मैंने क्या बोला? मॉड लिखा है तो अंदर वाला क्वांटिटी किसके बराबर होगा? एक बार किसके बराबर होगा? वन एक बार किसके बराबर होगा बच्चे?
दो के बराबर, और एक बार किसके बराबर होगा बच्चे आपके, माइनस टू के बराबर। एक बार दो के बराबर और एक बार माइनस। अब सॉल्व करो तो सर यहां से एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया सेवन, तो सर यहां से एक्स बराबर क्या आएगा प्लस माइनस रूट सेवन ये आएगा। सर यहां पे सर आया एक्स स्क्वायर बराबर थ्री, तो सर यहां से एक्स बराबर क्या आया प्लस माइनस रूट थ्री। समझा क्या ये प्रोसेस समझ में आया? तो सर आपका आंसर क्या क्या आया सर, फाइनल आंसर कर्ली ब्रैकेट के अंदर माइनस का रूट सेवन, माइनस का रूट थ्री, प्लस का रूट थ्री, प्लस का रूट सेवन, और ये कर्ली ब्रैकेट बंद। समझा? प्रोसेस वही है कि अंदर वाली क्वांटिटी अगर मॉड दिखा तो अंदर वाली क्वांटिटी, ये जो अंदर वाली लिखी है, एक बार प्लस टू के बराबर और एक बार माइनस टू के बराबर। समझा? हाँ या ना? सभी को समझ में आया? बोलो क्लियर अच्छे से। चलो समझा तो जल्दी से ये दो पेज पहले लिखो, इसके ऊपर फिर एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे, भी और क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर फिर। हुआ ये वाला पेज सभी का? पक्का? डन। चलिए अगला पेज डालिए जल्दी से। मेथड से सॉल्व करोगे तो कभी गलत नहीं होगा जैसे मेथड जा रहा है। नहीं कोई मेथड नहीं है, सेकंड मेथड तो कुछ हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन का। सबसे सिंपल मेथड बताया, सबसे सिंपल मेथड, और कोई मेथड नहीं है कि सर मॉड हटाया, जैसी मॉड हटाओगे
सामने वाले चेक करो कि पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो एक बार इसको दो के बराबर कर दिया और एक बार माइनस टू के बराबर कर दिया, बस फिर नॉर्मल सॉल्व कर लिया। सिंपल नहीं है क्या ये मेथड? सिंपल है एकदम, जो मैंने अभी ये पढ़ाया उसी के ऊपर का क्वेश्चन है। अप्लाई किया कि सर अगर मॉड ए बराबर अल्फा है तो ए बराबर प्लस माइनस अल्फा होगा, उसी चीज को मैंने अप्लाई किया है। चलिए हुआ, लिख लिया ये वाला पेज, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये सर क्या पढ़ रहे हैं, पर वही चीजें आगे यूज होती है, ये पूरा चैप्टर आगे बहुत यूज होगा हर जगह पे, और लगेगा थोड़ा बहुत टफ लगेगा बच्चे, ऐसी तो चीज नहीं है कि आप एकदम एक बैग समझ में आ जाएगा, टफ लगेंगे बट वही है, चीजों को बार बार पढ़ोगे रिवाइज करोगे तो होता जाएगा। अभी तक इजी लग रहा होगा, ये भी बहुत इजी है, लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, लेवल बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे सब करेंगे। लेकिन इक्वालिटी में देखा ना आपने कि पहले लेवल इजी था, फिर मैंने आपको टफ लेवल के क्वेश्चन दिए, इसमें भी ऐसे ही आएगा। डन, बच्चे लोग हो गया सभी का, किसी का बचा क्या? सभी का हो गया मेरे हिसाब से। चले अगर हो गया तो एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक मॉड है, फिर मान लेते हैं बच्चे आपका ये लिखा है x माइनस थ्री लिखा है, फिर आपका लिखा है माइनस सेवन लिखा है और इज इक्वल टू में नाइन लिखा है। चलो बच्चे ये वाला सॉल्व करो, हाँ ये सॉल्व करो, करो एक बार दिमाग लगाओ, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, दो मॉड है ये चीज याद रखिएगा, पहले बड़ा वाला मॉड फिर इसके अंदर छोटा मॉड, फिर माइनस सेवन इज इक्वल टू नाइन, करो बताओ मुझे एक बार इसका क्या क्या आंसर आ रहा है। जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उससे करोगे तुरंत हो जाएगा। करिए एक बार, हो जाए तो डन लिखिएगा या एक्स की वैल्यू भी बताइएगा मुझे एक बार। फाइव और वन, नहीं गलत है, फाइव और वन इज अ रॉन्ग आंसर। आया क्या? मॉड हटाओ, सबसे पहले बाहर वाला मॉड हटाओ, सबसे पहले बाहर वाला मॉड हटाओ, नाइनटीन और थर्टीन, करेक्ट जवाब, अब एकदम करेक्ट है बच्चे आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए एक का आ गया, बाकी लोग
-13, नहीं -13 नहीं आएगा, प्लस आएगा, -13 नहीं होगा, +13 होगा। बाकी लोग बताओ भाई, बाकी लोग सॉल्व करो। चलिए एक और आ गया, तन्वी का आ गया। सिंपल सा सोचो, अंदर वाली क्वांटिटी ऐसे के ऐसे ही रखी है, एक बाहर मॉड लगा हुआ है। जैसी आपने मॉड को हटाया तो अंदर वाली क्वांटिटी जो आपकी ये है, ये एक बार 9 हो जाएगी और एक बार आपका ये क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। समझा पहला स्टेप। अब 7 को लेफ्ट साइड ले जाओ, राइट साइड ले जाओ, तो मॉड एक्स -3 बराबर 16 और एक्स -3 बराबर में -2। सर यहां से मॉड ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है निगेटिव, तो सर यहां से तो x बिलोंगिंग टू 5 आ गया। लो भाई यहां से तो x बिलोंगिंग टू 5। सर यहां जाइए, सर यहां पे एक बार x -3 16 के बराबर और एक बार x -3 -16 के बराबर। हाँ सही था, अरे सही था प्रतीक, सही था, सॉरी सॉरी मेरी गलती है प्रतीक, तू बिल्कुल करेक्ट था। x बराबर एक बार 19 आ जाएगा और एक बार x बराबर -13 आ जाएगा। ये दो आंसर है, तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंगिंग टू x या इक्वल टू बोल दो, x बिलोंगिंग, ठीक है ये भी लिख दो, प्रतीक बिल्कुल करेक्ट था, 19 और 13 आएगा इसका आंसर। x इज इक्वल टू, एक आंसर आएगा आपका -19 और सॉरी -13, दूसरा आंसर आएगा 19 आएगा। प्रतीक करेक्ट था, प्रतीक तू एकदम करेक्ट था, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर है, तो आंसर आएगा एक 19 और एक आएगा -13। समझा सभी को, क्लियर। प्रोसेस से गए क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं किया, केवल मेथड लगाया, मेथड के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया क्वेश्चन में, ये चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो। समझ में आ रहा है, चलो जल्दी से लिखो, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर जल्दी से लिखिएगा। समझाना सभी को, बच्चे लोग सभी को समझ में आ गया ना। ठीक, जल्दी लिखो, फिर अगला क्वेश्चन देता हूं आपको एक और। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, अगला क्वेश्चन करिएगा। मॉड है, यहां मॉड लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 लिखा है, यहां लिख देते हैं माइनस का 3 लिख देते हैं, ये मॉड बंद कर दिया, और यहां मान लो लिख दिया मैंने माइनस का 2 और यहां लिख दिया 7। चलो सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आंसर मत बताइएगा, आंसर गंदा आएगा, बस सॉल्व करिएगा, करो सॉल्व एक बार।
हो गया क्या? ओके एक का हो गया, प्रतीक का हो गया, सबसे पहले तो -2 को ना राइट में ले जाओ। -2 को अगर आप राइट में लेके गए तो आपका क्या हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा। अब इसको क्या किया, मॉड को पहले, सबसे पहले बाहर वाले मॉड को हटाया। जैसे ही हटाओगे तो मॉड x² - 4x + 5 - 3, एक बार 9 होगा और दूसरी बार x² - 4x + 5 - 3 बराबर -9 होगा। अब इसको एक बार देखा तो मॉड x² - 4x + 5, एक बार -6 आ गया। अब बच्चे इधर क्या लिखा है, मॉड ये क्या है, पॉजिटिव नंबर, और ये क्या है, ये पॉजिटिव, और ये क्या है, निगेटिव। तो यहां से तो सर आपका x बिलोंगिंग टू क्या आ गया, 5 आ गया। ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा आएगा, अभी आ जा रहा है क्वेश्चन ऐसा, अगर मैंने सेट कर दिया दैट्स व्हाई ऐसा आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां जाओ तो मॉड के अंदर x² - 4x + 5 बराबर में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। क्लियर है? अब इस बार इसको क्या किया, एक बार x² - 4x + 5 को 12 के बराबर कर दिया और x² - 4x + 5 को -12 के बराबर कर दिया। अब इसको इधर ले आओ, 12 इधर लाओ, तो x² - 4x - 7 = 0, एक क्वाड्रेटिक तो आपका ये बना। और दूसरा इसको इधर ले आओ, x² - 4x + 17 = 0, एक ये बना। x की वैल्यू सेटिस्फाई करनी है, रियल वैल्यू तो ये क्या आएगा, इसका तो d दिख रहे हो, इसका d, अगर आप इसका क्वाड्रेटिक देखो तो सर इससे तो क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसका d क्या है आपका, 0 से छोटा है, 16 - 4 × 17, d < 0, तो क्वाड्रेटिक का। अब इसको सॉल्व कर लो तो x बराबर -b, तो 4 + - यहां पे क्या आ जाएगा, 16 + 28 / 2, तो x बराबर कितना आ गया आपका सर, 4 + 44 / 2, ये इसका आंसर है। क्लियर? सभी का यही आंसर आया था, जिनका हो गया था उनका यही आंसर आया था या कुछ और आंसर आया था बच्चे? यही आंसर आया था पक्का? बोलो, समझाना, स्टेप समझ में आए ना? कोई बात नहीं, गलती किया होगा कुछ, पर स्टेप समझ में आ गया सभी को, मैंने क्या स्टेप्स किए, कैसे सॉल्व किया, प्रोसेस से गया हूं किसी भी क्वेश्चन में ना। अभी तक आपने देखा होगा ऐसे कुछ भी नहीं किया हमने, मेथड गए हैं हर क्वेश्चन में। लास्ट स्टेप ये वाला देखो, ये यहां पे आपका क्या आएगा, ये वाला तो समझ में आ गया होगा। यहां देखिए, ये देखिए x² - एक बार 12 हो जाएगा और एक बार -12 हो जाएगा, इस -12 को लेफ्ट साइड लाए तो ये प्लस का 17 हो गया। अब ये वाला क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को क्या करना पड़ता है, फैक्टर करना पड़ता है, फैक्टर हो नहीं रहा है क्योंकि सर इसका डी क्या है आपका, 0 से छोटा है, दैट्स व्हाई नो सॉल्यूशन, क्योंकि रूट के अंदर क्या आ जाएगा, निगेटिव। डी अगर लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन आ जाता है। और सर यहाँ पे इधर ले आए तो 5 - 12 कितना हो गया, -7 हो गया, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना मेरे हिसाब से आप लोगों को आता है। समझ में आया? क्लियर? बोलो, चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से,
कल का होमवर्क बच्चे डीपीपी रहेगा ना, मैं आपको डीपीपी अभी डाल दूंगा ग्रुप पे, ठीक है? डीपीपी सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है प्रतीक। ये √41 क्या होता है? √2 √11 होता है। तो x बराबर ये भी आंसर आ सकता है, 2 ± √11 ये भी आ सकता है, ये आंसर भी पॉसिबल है। और अगर मैं आपसे सम ऑफ द वैल्यूज पूछूं तो क्या, जैसे यहां पे दो आंसर आया ना, एक आंसर आया क्या 2 + √11 आया, और एक आंसर आया क्या 2 - √11 आया। तो अगर मैं आपसे सम पूछता क्वेश्चन में, मान लिया पे मैं पूछ देता फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, तब आंसर क्या होता आप लोगों का? 4 होता। चलो यहां पे लिखिए, समझ में आ गया? सम ऑफ वैल्यूज पूछता कितना आता? 4 आता। वो उसके लिए इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, वो यहीं से आ जाता, वो यहीं से आ जाता डायरेक्टली। समझ गए सभी को? क्लियर है हाँ या ना? बोलो बाकी लोग, यस या नो? क्लियर, लिख डालिए एक बार जल्दी से इसको, लिख डालिए। हो गया नोट डाउन? आगे बढ़े, डन सभी का, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करिएगा। मान लो बच्चे आपके पास ऐसे दे दे, मॉड x² - 4 = 0 दे दे, तब क्या आंसर आएगा आपका? मॉड x² - 4 = 0 दे दे, तब आंसर क्या आएगा? तब आंसर क्या आएगा बच्चे? 2। पक्का -2 नहीं करेगा? -2 सेटिस्फाई नहीं करेगा? अरे ये 0 दे रखा है, ये क्या होगा? x² - 4 = क्या गया? 0। तो x बराबर क्या गया? +-2। ये चीज याद रखिएगा। हाँ -2 ऑल्सो, -2 भी तो करेगा, ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि सर हमारा केवल प्लस वाला सॉल्व करेंगे, माइनस वाला नहीं करेंगे हम। माइनस भी तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि -2 इसका आंसर नहीं आएगा। समझा? क्लियर है सभी को ये पॉइंट जो मैंने बोला? ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो गया होगा मेरे हिसाब से नोट डाउन, जल्दी से कर डालिए। फिर आगे बढ़ते हैं, डन। बच्चे अभी हमने ये पढ़ा कि सर अगर मॉड एक्स बराबर 5 है तो आंसर आपका एक्स बराबर +-5 आएगा, ये अभी हमने पढ़ा। अब बच्चे मान लो अगर आपको ऐसे दे दे, मॉड एक्स ग्रेटर देन 5, और या आपको ये दे दे कि सर मॉड एक्स लेस देन 5, ये दे दे, तब सर कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसकी बारे में हम क्या करते हैं अब आपका डिस्कशन करते हैं। तब क्या करते हैं बच्चे आपका? इसके बारे में हम क्या करेंगे आपका डिस्कशन किया जाएगा, आगे करते हैं, ठीक है? एक बार ध्यान से देखिएगा क्या बोला मैंने बच्चे आपका, एग्जाम्पल समझिएगा कि सर मान लो मॉड एक्स बराबर में 5 है आपका, मॉड एक्स बराबर 5 है। अगर बच्चे मॉड एक्स बराबर 5 है तो आप ध्यान से समझिएगा, आप ना एक बार इसका इक्वल सोचो। अगर मॉड एक्स बराबर 5 है तो बच्चे मैंने एक बार ना इसका इक्वल सोचा, इक्वल करते हैं तो दो नंबर आता है। क्या क्या नंबर आता है बच्चे? एक 5 आता है और एक क्या आता है सर आपका? -5 आता है। समझ में आया कि सर अगर मॉड एक्स बराबर 5 दे रखा है
तो ऐसे भी अगर हम इसको मॉड एक्स बराबर मॉड एक्स ग्रेटर देन फाइव दे रखा है, तो अगर सर मैं मॉड एक्स बराबर फाइव सॉल्व करता हूं तो सर वहां से मेरे पास क्या आता है आपका, दो नंबर आता है। क्या आता है अच्छा अब बच्चे आपका दो, एक आता है फाइव और एक आता है सर आपका माइनस फाइव आता है। अब मुझे बच्चे ये बताना, यहां पे अगर मैं बच्चे आपसे ये पूछूं, सिंपल सा मेरा एक क्वेश्चन है, सिंपल सा, कि सर इस जो इक्वेशन दे के रखा हुआ है यहां पे आपका कौन सा रीजन आंसर में आएगा, जैसे ये आपका पहला रीजन है, ये आपका दूसरा रीजन है और सर ये आपका तीसरा रीजन है, तो सर कौन कौन से रीजन का सर यहाँ पे मैं आंसर लिख सकता हूं, मुझे कोई ये बताएगा, पहला दूसरा तीसरा, अगर आप एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई करके देखो पहला और तीसरा। चलिए संजय का हर्ष का आंसर आया पहला और तीसरा, साहिल का आया पहला और तीसरा, सही का आया तीसरा, प्रणव का आया पहला और तीसरा, प्रतीक का फर्स्ट और थर्ड। सही, क्या पहला वाला रीजन सेटिस्फाई नहीं करेगा? आई एक बार आप सोचो पहला वाला करेगा या नहीं करेगा, ध्यान से आप एक बार सोचो पहला वाला। माइनस पांच से छोटी वैल्यू लो तो माइनस पांच से छोटी वैल्यू क्या होता है, माइनस सिक्स। माइनस सिक्स मैंने रखा, माइनस सिक्स का मॉड क्या होता है, सिक्स। सिक्स ग्रेटर देन फाइव, यस सर करेगा। तो क्या मैं इसका आंसर ये लिखूं कि सर एक्स बिलोंगिंग टू वन वाला रीजन क्या होगा, ये माइनस इंफिनिटी होगा और सर ये क्या होगा, प्लस इंफिनिटी होगा। तो सर क्या मैं इसका आंसर आपको ये लिखूं, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस फाइव यूनियन फाइव से इंफिनिटी, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर है? मैंने क्या बोला, आप मैंने रीजन बनाया, मैंने एक बार ना मॉड मैं इसका भी फॉर्मूला भी बताऊंगा, टेंशन नहीं है, पहले आप समझो केवल कि सर अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन फाइव है, तो सर अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन फाइव है तो मैंने मॉड एक्स बराबर पांच सॉल्व किया, तो मॉड एक्स बराबर अगर पांच सॉल्व करोगे तो क्या आएगा सर आपका, ये फाइव आ गया और ये माइनस फाइव आ गया। अगर यहाँ पे सर ग्रेटर देन दिया है ना, तो आप क्या करो, ये जो दो रूट लिखा है उसका आउटसाइड वाला पोर्शन लो, कौन सा पोर्शन लो सर आपका, आउटसाइड। तो पांच से बड़ा वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये चला गया, और सर ये वाला, ये जो रीजन है, तो ये कौन सा रीजन है, मॉड एक्स ग्रेटर देन फाइव का, और सर ये मॉड एक्स ग्रेटर देन फाइव का रीजन है। समझा? अब सर अगर मैं आपसे ये पूछूं, दूसरा देखना, दूसरा कि सर अगर मॉड एक्स लेस देन फाइव आ जाता तब क्या होता, अगर मॉड एक्स लेस देन फाइव हो जाता तब क्या आता बच्चे आपका आंसर, मॉड एक्स लेस देन फाइव हो जाता तब कौन सा रीजन आता बच्चे आपका, तब कौन सा रीजन आता, दूसरा वाला। तब मैं यहां पे x का आंसर क्या लिखता सर आपका, माइनस फाइव से लेके प्लस फाइव लिखता, तब क्या लिखता सर आपका, माइनस फाइव से लेके प्लस फाइव लिखता। सर मैं एक तीसरा पूछता हूं आपसे कि सर मान लीजिए मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव आएगा तो सर क्या आंसर में फर्क पड़ेगा, या सर मॉड x लेस देन इक्वल टू फाइव आएगा तब आंसर में सर क्या फर्क पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव है तब क्या फर्क पड़ेगा, और मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव है तब क्या फर्क पड़ेगा, मेरे को बस ये बता दो आप। ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव यहां पे आता था, केवल ग्रेटर देन था, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं आएगा, केवल माइनस पांच और पांच पे आपका क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, माइनस पांच पे क्लोज और सर यहां पे फाइव पे क्लोज। सेम चीज यहां पे सर आपका अभी भी वही रीजन रहेगा, बट माइनस फाइव और प्लस फाइव पे क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। तो सर ये जो बीच वाला रीजन है, कि कौन सा रीजन आया, मॉड एक्स लेस देन फाइव। समझ में आया जो मैंने अभी बोला, क्लियर है हाँ या ना बताइए, समझा अच्छे से, समझ में आया? फर्स्ट रीजन कैसे आया, आप एक्स की वैल्यू देखो, यहां पे मैंने क्या बोला था, मॉड के टाइम डिस्टेंस के टाइम मैंने क्या बोला था कि सर आप निगेटिव नंबर की तरफ जाओ या पॉजिटिव नंबर की तरफ जाओ, वैल्यू हमेशा क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जैसे इंक्रीज करता है मॉड, मॉडुलस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो आप पांच से बड़े जाओ या माइनस पांच से छोटे जाओ, उसका जब मॉड लोगे तो हमेशा मैग्नीट्यूड क्या आएगा, पांच से बड़ा आएगा। सर अगर मैग्नीट्यूड पांच से बड़ा है
तो यहां पे अगर मैं माइनस सिक्स भी रखूंगा तभी भी वो क्या करेगा आपका, सेटिस्फाई करेगा। समझा, हाँ या ना, समझ में आया, बोलो, क्लियर हुआ? कि पांचवा, मैं पांचवा भी क्या बोल सकता हूं, सर अगर मॉड एक्स बराबर पांच होता तब एक्स के बराबर क्या आता, प्लस माइनस फाइव आता आंसर। समझा, क्या ये एग्जांपल समझ में आया? और देखेंगे अभी एग्जांपल, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी और पढ़ेंगे इसके बारे में। क्या जो अभी मैंने पहला एग्जांपल केवल बताया वो समझ में आया, ये जो एग्जांपल मॉड एक्स ग्रेटर देन फाइव, या ये जो पूरा एग्जांपल लिया, समझा, क्लियर है, हाँ या ना, बोलो, सभी को क्लियर? चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो और फिर आज का लेक्चर चलो यही एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ना इसके आगे की चीजें हम लोग पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर, समझ गए? लिखिए जल्दी से, हो जाए? हाँ, नोट करना है, पूरा नोट करना है भाई, पूरा नोट करना है, नोट करो, नोट करके जाओगे भाई, पूरा पूरा नोट करो। ये समझ में ना, इक्वालिटी का डिफरेंस क्या है, कि ग्रेटर देन दे के रखा रहेगा तो इक्वल वाला पार्ट नहीं आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा यहाँ, और इक्वालिटी यहाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू दे देता तो पांच और माइनस पांच पे क्या आ जाता, क्लोज ब्रैकेट। जल्दी से नोट डाउन करो, नोट डाउन करके जा सकते हो। होमवर्क अभी मैं ग्रुप पे डाल देता हूं तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। हो जाए तो डन लिख दीजिएगा, इसका जितना होता जाए डन लिख के जा सकता है। डन, जा सकते हो। बाय बाय, बाय बाय।